दो तिहाई साल निकल चुका है और एप्पल ने लॉन्च किए हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन अभी भी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट बाय एप्पल का वेट है आईफोन 14, जैसे कि आपने सभी ने गेस किया। वैसे लॉन्च होने वाला है अगले महीने सितंबर 6 या 7 को। लेटेस्टली का ये कल ही आई जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आईफोन नहीं, काफी दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। हाय गीक्स, मैं हूँ समीर, आप देख रहे हैं गीक्स ब्लॉग हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं आईफोन 14 से ही, आईफोन 14 सीरीज से। एक बुरी खबर ये है कि आईफोन 14 मिनी इस बार स्किप होने वाला है, उसकी जगह आने वाला है एक नया आईफोन। वैसे चार ही लॉन्च होने वाले हैं, आईफोन 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max। ये है चार आईफोन जो इस साल Apple लॉन्च करने वाला है अपने सितंबर इवेंट में। प्रो सीरीज के अंदर पंच होल डिस्प्ले होने वाला है, जिसका काफी टाइम से हम सभी को इंतजार था। प्रोमोशन भी होने वाला है। 3 कैमरास होने वाले हैं विद 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जो अभी तक किसी भी आईफोन में नहीं आया है। और बातचीत ये भी चल रही है, अगर एप्पल मेहरबान हुआ तो आपको टाइप सी भी देखने को मिल जाएगा, एंड विद अ न्यू A16 बायोनिक चिप। तो ये तो बात हो गई प्रो मॉडल्स की। अब कर लेते हैं नॉन प्रो मॉडल्स की बात, जिसके अंदर आपको छोटा सा ही अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। वही आईफोन 13 जैसा नॉच होने वाला है, ऑलमोस्ट सिमिलर कैमरास होने वाले हैं, A15 बायोनिक चिप, सेम चिप जो आईफोन 13 में था वही उठा के इधर भी डाला है, लेकिन इधर आपको रैम थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, तो यू नो मल्टीटास्किंग थोड़ी बेटर हो जाएगी आपकी। प्राइस की बात करो, हालांकि अभी इतना कोई लीक सामने आई नहीं है प्राइस को लेके, लेकिन जहां तक मेरा अजम्पशन है सेम प्राइस पे लॉन्च होने वाला है आईफोन 14 जो आईफोन 13 हुआ था उस पे ही। लेकिन जो प्रो मॉडल्स है आई थिंक उनके जो प्राइसेस है वो थोड़े इस साल बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आईफोन्स की, लेकिन आईफोन्स के साथ साथ हमेशा से एक जोड़ी बनी रही है, वो है एप्पल वॉच की। एप्पल वॉच सीरीज 8 इस साल लॉन्च होने को है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन वॉचेस आने के चांसेस हैं। पहली जो नॉर्मल एप्पल वॉच सीरीज 8 होगी, वो जिसके अंदर आपको मिलेगा एक फ्लैट डिस्प्ले, लेकिन एजेस अभी भी सीरीज 7 जैसी ही होगी। आपको एक बिगर डिस्प्ले मिल जाएगा कंपेयर टू सीरीज 7। सेम चिप जो सीरीज 6 और 7 से चली आ रही है वही होगी। बेटर बैटरी लाइफ जरूर मिलेगी, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन होगा वो बेटर हो जाएगा। एंड विल ऑल्सो इंक्लूड बॉडी टेम्परेचर सेंसर, जो आफ्टर कोविड जो इतना टेम्परेचर का सीन बना था वो उस पर आपका ट्रैक रखने का काफी हेल्पफुल रहेगा। और कुछ और भी यूजफुल फीचर्स आ सकते हैं इन सीरीज 8। तो जो दूसरा मॉडल लॉन्च होने वाला है इस इवेंट में, वो होगा एप्पल का एप्पल वॉच SE 2, जिसका प्राइस लगभग SE 1 जैसे ही होगा। ये काफी हद तक सीरीज 8 जितनी पावरफुल होगी, लेकिन उसमें उतने फीचर्स नहीं दिए जाएंगे, एंड बॉडी टेम्परेचर सेंसर को भी बॉयकॉट किया जाएगा टू कीप द प्राइस इन चेक। तो ये दो मॉडल्स तो होंगे जो बहुत कॉमन चलते हैं ना, ऐसी के बारे में भी आपने सुना रहेगा, और एप्पल वॉच हर साल अपग्रेड होती है तो आपने वो भी सुना रहेगा। लेकिन जो तीसरा मॉडल आने वाला है, प्रो मॉडल, रगेड मॉडल या एक्सट्रीम मॉडल, कुछ भी कह लो आप इसको, एप्पल ने वैसे अभी नाम रिवील नहीं किया है, ये होने वाला है इन सबका बाप। बेटर बैटरी लाइफ, बेटर बिल्ड क्वालिटी, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए डिजाइन होगा इन कोलैबोरेशन विद नाइकी आई गेस, ताकि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेलने वाले भी एप्पल वॉच को पहन सके विदाउट एनी फियर कि वो टूट जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है, और ये देखने वाली बात होगी कि इसकी प्राइस रहेगी वो कितनी ऊंची रहेगी कंपेयर टू सीरीज 8। तो ये तो बात कर ली हमने घड़ियों की, लेकिन अब बात कर लेते हैं ईयरफोन्स की। हाँ, एप्पल एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन के भी आने के चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज काफी टाइम हो गया हमने एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन इस साल जरूर लग रहा है कि एप्पल जो है एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन लॉन्च करेगा। इसका जो डिजाइन रहेगा वो लगभग 2021 के बीट्स फिट प्रो, एक TWS था उसके जैसा रहेगा, बिकॉज यू नो बीट्स भी एप्पल ने खरीद रखा था, थोड़ा सा काफी चलता है, शायद से स्टेम जो है इनकी वो चली जाए। एंड ये आ सकता है लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट के साथ विद LC3 कोडेक, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होने वाली है एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन की। सिर्फ ये नहीं, आपको H2 चिप भी देखने को मिल सकती है, जिससे जो लेटेंसी रहेगी ना आपके फोन और आपके एयरपॉड्स के बीच वो बहुत ही कम हो जाएगी, आपको जो गेम्स में लैग देखने को मिलते हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। वैसे आपने एक बात तो सुनी होगी कि EO फोर्स कर रहा है एप्पल को टाइप सी चार्जर लगाने के लिए, तो चांसेस है कि जो इसका केस रहेगा एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन का वो भी टाइप सी के चार्जर के साथ आए। तो ये तो बात हो गई एयरपॉड्स की, लेकिन अब बात कर लेते हैं एक बड़े स्क्रीन साइज डिवाइस की, जो कि होने वाला है iPad Pro। वैसे लॉन्च हुआ था ये लास्ट ईयर स्प्रिंग इवेंट पे, जो लगभग उसको 1.5 साल जैसा हुआ है, लेकिन चांसेस है कि इस सितंबर इवेंट में ये वापस M2 के साथ लॉन्च होगा। मेरे को पर्सनली लग रहा है M2 के साथ लॉन्च होगा, बिकॉज यार देखो M1 का सीधा सीधा अपग्रेड M2 होता है, लेकिन अगर एप्पल थोड़ा सा मेहरबान और हुआ तो ये M1
प्रो के साथ भी जा सकता है एंड ट्रस्ट मी इट विल बी अ बीस्ट विद इट। ऑब्वियसली एक बेटर स्क्रीन होने वाली है, बेटर आपको बिल्ड मिलने वाली है, नए कलर्स भी आ सकते हैं। वैसे तो वो पुराना आईपैड जो आपको बोरिंग हो चुका है ना एक डेढ़ साल पहले का, उसको रिप्लेस करने का वक्त आ चुका है। इस सितंबर इवेंट में शायद ये लॉन्च हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मैक्स की। मेरे को पर्सनली नहीं लग रहा कि एप्पल सितंबर इवेंट के अंदर कोई मैक्स लॉन्च करेगा, क्योंकि उनका एक इवेंट अभी होना बाकी है जो कि होगा अक्टूबर या नवंबर के बीच के अंदर। वहां पे चांसेस है कि मैक प्रो लॉन्च हो, क्योंकि अभी तक सिर्फ वो एक लौता मैक है जिसने एम सीरीज प्रोसेसर पे ट्रांजिशन नहीं किया। बाय द वे, इफ यू आर वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक एप्पल डिवाइस जिसको लॉन्च होना बाकी है अभी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता प्लीज उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे वीडियोस मिस ना कर पाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो एवरीथिंग एप्पल के बारे में अपडेटेड रहने में, तो जाइए ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए एगिक्स ब्लॉक का ऐप, वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा, सी यू, बाय-बाय।